सांसद आजम खान को आपको बता दें कि रामपुर से सीतापुर शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षा कारणों की वजह, ये बताया जा रहा है, जहां पर परिवार के साथ ही आजम खान को रामपुर से फिलहाल सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो पत्नी तंजीम फातिमा बेटे अब्दुल्ला आजम को भी उनके साथ शिफ्ट किया गया है। बता दें कि फर्जी प्रमाण पत्र मामले में उन्हें जेल भेजा गया। रामपुर की ईडीजे 6 कोर्ट ने 2 मार्च तक जेल भेजा है। तो तड़के सुबह रामपुर से निकले थे और अब सीतापुर जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। और अमरजीत फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और तस्वीरें भी हम यहां पर देख रहे हैं। अमरजीत पहुंच चुके हैं, क्योंकि पहले जब आपसे बातचीत हुई थी आपने कहा पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं। ऋतु, जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हुए आजम खान को भारी सुरक्षा के बीच में सीतापुर जेल लाया गया है और उनको इसी गेट से जेल के अंदर भेज दिया गया है। आजम खान से कुछ ज्यादा खास बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये बात जरूर कही कि ये पूरा सरकार का किया था। तो भले ही उनको कोर्ट में न पेश होने पर एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था और कल कोर्ट के सामने पेश होने के बाद उनको जो है न्यायिक दर्शन भेज दिया गया था। तो भले ही ये पूरी प्रक्रिया कोर्ट के तहत रही हो, लेकिन आजम खान का साफ आरोप है कि उनको जो है सरकार जो है भावना से उन पर कार्रवाई करवा रही है। अमरजीत, क्या ये अभी कहा गया है? अमरजीत, क्या ये अभी कहा गया है? क्योंकि जब रामपुर से निकले थे तो कोशिश की थी मीडिया से कुछ बोलने की, अभी जब वहां पर पहुंचे हैं तो क्या भी मीडिया से बातचीत हो पाई है उनकी? यहाँ पर भी मीडिया से बहुत ज्यादा बातचीत तो नहीं हो पाई है, लेकिन जब जेल गेट में घुसते घुसते उन्होंने इस बात को मीडिया के सवाल पे ये बात जरूर कही है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो सब सरकार के मंसूबे से हो रहा, सरकार के इशारे पे हो रहा है और उसी के तहत ये सब फर्जी तरीके से चीजें हम पे क्रिएट की जा रही है। ये आजम खान का एक बड़ा बयान रहा है। हम इसमें जेल गेट में मौजूद है और यहाँ पे इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आजम खान को उसका परिवार आज जेल पहुंचे हैं, सीतापुर जेल लाया गया है, इनसे ये क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा पहला मामला सीतापुर जेल करना कि इससे पहले भी कई सांसद को कई विधायक को यहाँ पे जेल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन एक ये अपने आप में ऐसा पहला मामला है जब कोई सांसद अपने पूरे परिवार के साथ सीतापुर जेल लाया गया है। हम बात करते हैं विधायक और ऐसे जो है कि क्या कुछ कहेंगे विधायक जी, आज आजम खान को जेल लाया गया है, इसकी क्या मामला आजम खान को अपना परिवार जेल लाया गया, क्या कहेंगे? जुल्म जास्ती है, सरकार की जुल्म जास्ती की जा रही है आजम खान। जैसा कि पूर्व विधायक नगरपाल का चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल का भी कहना है कि ये सरकार की जस्ती है, तो खुला के भले ही कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान को सपरिवार जेल भेजा गया है, लेकिन सपा नेता इस पे साफ तौर पर सरकार की मनमानी और सरकार का जो है दुर्भावना से कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। बड़ी खबर एक ये भी आ रही है कि सीतापुर आज अखिलेश यादव सपा सांसद आजम खान से मिलने जिला जेल पहुंच सकते हैं। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन सपा नेताओं की माने तो ये बात निकल के सामने आ रही है कि सीतापुर आज अखिलेश यादव जो है आजम खान से मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अमरजीत ये यहाँ पर देखना होगा कि उन्होंने जो आजम खान है उन्होंने इस बात का तो जिक्र किया कि किस तरह से फंसे हैं और ये कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है, लेकिन अपने शिफ्ट को लेकर उन्होंने कुछ कहा? क्योंकि अगर रामपुर का जिक्र करें तो काफी हाईटेक व्यवस्था है जेल में, लेकिन उसके बावजूद भी एसपी ने यहां पर अपील की कि उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाए। सीतापुर रेफर किया गया और कहा गया कि यहां पर इतनी व्यवस्था नहीं है जितनी रामपुर में हाईटेक व्यवस्था है, तो क्या अपने शिफ्टिंग को लेकर उन्होंने कुछ कहा है? देखिए शिफ्टिंग को लेके तो अभी तक उनसे क्योंकि पुलिस ने पूरा घेरा बना रखा था तो बहुत ज्यादा तो बात नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी गाड़ियां भी जिला जेल के कारागार तक पहुंची थी, तो ऐसे में उनसे बहुत ज्यादा बातचीत हो पाना संभव नहीं था और मीडिया से एक निश्चित दूरी रखी गई थी, तो ऐसे में बातचीत हो पाना संभव नहीं दिख रहा था। लेकिन अगर रामपुर जेल और सीतापुर जेल की बात है तो क्योंकि सपा सांसद रामपुर से ही रहने वाले हैं, वहां पर उनका प्रभाव है, ऐसे में प्रशासन कहीं ना कहीं संभावना जरूर रही होगी कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में या
जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं कोई असुविधा हो सकती थी। सीतापुर जेल रामपुर से काफी दूरी भी रहती है, तो इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भी और बाकी चीजों के लिहाज से भी सीतापुर जेल को सुटेबल समझा गया। इससे पहले भी कई माननीयों को सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया था सुरक्षा के मानकों को देखते हुए, तो सीतापुर जेल भी अपने आप में सुरक्षा में काफी जो है मानकों को पूरा करती है और काफी बेहतर जेल बताई जाती है। इससे पहले चाहे वो बाहुबली सांसद रंजय सिंह रहे हों, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हों या फिर जितेंद्र सेंगर रहे हों, इन सभी को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। तो और इसके बाद से आज आजम खान को सपरिवार लाया गया है। तो एक बड़ा मामला ये भी हो सकता है कि स्थानीय जेल होने के नाते प्रशासन ने इनको सीतापुर जेल में शिफ्ट किया है। जी चलिए, धन्यवाद आपका अमरजीत फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।